तोरा मार के हम, लेकिन हम गाड़ी नहीं देना चाहते हैं। हम नहीं वो कलाकार है जो साला सीना पे गोली खा लेंगे, लेकिन मियां टियां बहन चोट के हम देखेंगे रे। माहौल में लगेगा, पीएन मॉल हो या जो हॉल हो, सब में आग लगा देंगे। समीर खान और शाहरुख खान, तू दोनों आँख खोल के सुन ले बेटा। तोरा माए दूध पिलाया है तो तू पटना में आके खड़ा हो। तोरा सारा खान पानी छोड़ा, सलमान खान की माए के दूध पिया है, पटना में आ जाएगा वो। आए आ जाएगा ना, तो हम एक बाप के औलाद। मंदिर में सब ताला लागल, अरे जुलूस ना निकलल नौमी के, अरे ये मतलब ना होला मिया सब मिया टिया। मात्र एक आवाज में बोलने वाला खेखे खेखे क्या बात करेगा साला मिया टिया, आवाज में बोलने वाला खेखे खेखे क्या बात करेगा साला मिया। आपको पठान बनाना है तो भगवा रंग की जगह आप हरा कलर पहनाओ, अपने मस्जिद का कलर पहनाओ, अपने काला कलर का पहनाओ। गोबर में ढेला मारने पर गोबर उड़कर आप ही पर पड़ेगा, इसीलिए लोग मना करते हैं कि गोबर में ढेला मत मारो, कीचड़ में ढेला मत मारो। लेकिन कीचड़ गोबर को साफ करने के लिए आपको उसके करीब जाना पड़ेगा। एक ऐसी ही खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एक कहावत है बिहार में, वह कहावत है कि माँ बर्तन मांजे गली गली और बेटे का नाम बहुबली। तो यही कहानी है बिहार में। एक समीर चौधरी नाम के युवक है जो खुद को भोजपुरी के सुपरस्टार बताते हैं, जो आर्टिस्ट कलाकार अपने आप को बताते हैं, वह लगातार शाहरुख खान की मूवी का विरोध करते हैं। कभी मनीष कश्यप का विरोध करते हैं, कभी वह मनी मेराज का विरोध करते हैं। हमेशा वह ऐसी ऐसी बात बोलते हैं जिससे लोग उसकी मुंह पर थूक दे अगर सामने आ जाए तो। अब बताइए, आप शाहरुख खान का विरोध करें हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप सलमान खान को 10 गाली दे हमें कोई आपत्ति नहीं, भाई आपकी मर्जी है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, आप किसी को गाली दे सकते हैं। भारत के देश के प्रधानमंत्री, आप उन्हें गाली दे सकते हैं, आप राहुल गांधी को गाली दे सकते हैं, आप कोई किसी को गाली दे सकते हैं। लेकिन संविधान ने बताया है कि आप किसी के धर्म के आधार पर पूरे जाति पूरे धर्म के लोगों को आप गाली नहीं दे सकते हैं। तोरा मार के हम, लेकिन हम गाली नहीं देना चाहते हैं। हम नहीं वो कलाकार है जो साला सीना पे गोली खा लेंगे, लेकिन मियां टियां बहन चोट के हम देखेंगे रे, कोई नहीं देखेगा। आप समीर चौधरी, हम आप ही कह के आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप जो सबसे घटिया काम है वो कर सकते, हम नहीं करेंगे, हम अपनी लिमिट जानते हैं। तो आप समीर जी या समीर चौधरी जी, आप एक बात बताइए, आपको शाहरुख खान से दिक्कत थी, आपको सलमान खान से दिक्कत थी, आप उन्हें गाली देते, ये मियां टियां क्या है? मियां टियां बहन, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं। एक वीडियो समीर चौधरी की वायरल हो रही है, वह शाहरुख खान सलमान खान को औकात बताने की बात करते हैं। वह बताते हैं कि सलमान खान की औकात हो तो वह पटना में आ जाए, वह बताते हैं कि शाहरुख खान की कोई औकात नहीं। अरे भाई तुझ किस्म के इंसान, अरे भाई कचरा, अरे यार तू तो सबसे बड़ा कचरा है। शाहरुख खान की औकात जानेगा बेटा? पता है क्या औकात है? जाके वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर में देख ले, चौथा स्थान है टॉप 10 में, पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान है, सबसे ज़्यादा अमीर एक्टर में उसकी गिनती आती है। साले तू कचरा, तेरा सबसे लास्ट में भी गिनती नहीं आता है। तू इस तरह से अनर्गल बयान देगा तो क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? हमने कई बार सोचा कि हम पत्रकारिता करते हैं, हम कई ऐसे लोगों को सामने लाए जो तुम्हारे खिलाफ करें, लेकिन हमें यह लगा कि हम अपनी आवाज़ को, अगर अपनी आवाज़ को हम बुलंद नहीं करेंगे, जब मेरे ऊपर तुम हमला करोगे, एक पूरे कम्युनिटी के ऊपर हमला करोगे, मियां टियां बोलोगे और हम नहीं बोलेंगे, तो ये मेरे ज़मीर के साथ अत्याचार होगा। मैं अपने ज़मीर को नहीं मार सकता, इसीलिए मैं तेरे खिलाफ में वीडियो बना रहा हूँ। तू शाहरुख खान को गाली दे देता, तू सलमान खान को गाली देता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। दुनिया वाले दे रहे हैं, सभी को गाली दे रहे हैं, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन तुमने जो बेटा गलती किया है ना, तुमने जो ये मियां टियां बहन आगे जो बीप है वह लगा के बोला है ना, ये बहुत गंदा काम किया है साला। तेरा फेसबुक पेज आज खंगाल रहे थे, उसमें पता है 700 कुछ फॉलोअर हैं तेरे, और व्यू कितना मिलता है? 100, 150, 200, 300 जाते जाते तेरा कमर टूट जाता है। और जब से इस तरह का तू बयानबाजी कर रहा है ना, कभी मनीष कश्यप पे औकात है तेरी, मनीष कश्यप से टक्कर लेगा, औकात है तेरी, तू मनी मेराज से टक्कर लेगा। अरे कुछ बोल के ही तू फेमस होना चाहता है, आवाज़ निकाल के कुछ ऐसा बोल दे कि साला हमें कुत्ता बिलाई की तरह फेमस होना चाहता है। सस्ता नशा करता है क्या?
दो कौड़ी वाला नशा करता है। औकात है सही करेक्टर में आके, बुढ़ापा भी आने वाला है, जवानी बीत गया स्ट्रगल करते करते, खेत खलियान में लफुआगिरी करते करते, लुच्चागिरी करते करते, अब सोचता है बुढ़ापा आते आते फेमस हो जाए तो कुछ भी बक देगा, लोग बर्दाश्त करेंगे। भाई सोच समझ के कुछ भी बोला करो, खुद को एक्टर बताते हो, खुद को बताते हो कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं, तो उस वैसा रवैया रखा करो। आप किसी एक चीज़ का विरोध कर सकते हैं, किसी एक एक्टर का विरोध कर सकते हैं, किसी एक लोग का विरोध कर सकते हैं, आप टोटल कम्युनिटी के खिलाफ नहीं जा सकते। हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, आप किसी का नाम लेके आप विरोध करें, किसी जाति को, मियाँ एक और उसके साथ में छप्पल छनिया के तरह एक लड़का है, वह भी बगल में वीडियो में आपको दिख रहा होगा, वह भी कहता है मियाँ टियाँ। क्या आवाज में बोलने वाला खेखे खेखे क्या बात करेगा साला मियाँ टियाँ, क्या आवाज में बोलने वाला खेखे खेखे क्या बात करेगा साला मियाँ टियाँ। अरे क्या है मियाँ टियाँ बे, जानता है मौलाना अब्दुल कलाम जानता है कौन था, APJ अब्दुल कलाम जानता है कौन था, हमीद अंसारी जानता है कौन था, है देश के अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, साले गोबर में से निकले हुए, कचरे में से निकले हुए, तुम बताओगे कि मियाँ टियाँ कौन है? आसमान पे थूकोगे ना तो तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा, आसमान पे नहीं जाएगा। औकात में रहो, कह रहे हैं ना किसी जाति किसी कॉमनल चीज पे बोलना बंद कर दो। आप किसी एक का विरोध करें, किसी का नाम लेके विरोध करें, किसी जाति किसी के मजहब पर आप विरोध नहीं कर सकते हैं। मैं हूँ शाहनवाज, आप गलत के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, आज मियाँ टियाँ को बोला है, कल मियाँ कोई हिंदू को बोल दे, कल हिंदू भाई किसी और को बोल दे, तो यह समाज में नहीं होना चाहिए। आप किसी एक, शाहरुख खान का विरोध हो रहा भाई, इतना सारा विरोध है, हमने कहाँ कह दिया, हमने कहाँ कह दिया कि शाहरुख खान की मूवी हिट जाएगी? और एक बात जान लो, जो इस शाहरुख खान का विरोध करके देखते हो किसी मुसलमान की तरफ कि यह इस सपोर्ट में बोलेगा, मुसलमान हमेशा अगर सच्चा इस मुसलमान है, दीन धर्म जो इसका इस्लाम है उसको मानता है, तो वो मूवी जो है फिल्म है वो हराम है मुसलमानों में, उसे देखने की पाबंदी है। और अश्लीलता जो परोसा गया है ना दीपिका पादुकोण की तरफ से, उस अश्लीलता का तुम बेटा आज खिलाफ होगे, मुसलमान बरसों से खिलाफत है उसका कि अश्लीलता, औरतों को पर्दा करना चाहिए, औरतों को ये जो चड्डी बना बनियान बिकनी पहन के जो दीपिका को नचाया गया ना, इसके हमेशा हम खिलाफ रहे हैं, आज तुम खिलाफ करो। और रंग की बात रही ना कि भगवा कलर, कलर कोई भी हो, इसमें एक महाशय मैडम जी है खुद को, वो भी सस्ता नशा करके वो भी वायरल होना चाहती है, करेंगे। अगर आपको पठान बनाना है तो भगवा रंग की जगह आप हरा कलर पहनाओ, अपने मस्जिद का कलर पहनाओ, अपने काला कलर को पहनाओ। लेकिन वो कह रही है कि मस्जिद के रंग पे वीडियो बनाओ, फिल्म बनाओ, पठान, पठान बनाना है तो काला कलर में बनाओ। अरे भाई हरा कलर तो लोग कहते हैं मुसलमान, ये काला कलर कब से हो गया? अब कलर का कब जाति धर्म होने लगा, रंग का कौन सा मजहब होने लगा? ठीक है, आप आपत्ति इस बात से जताइए कि अश्लीलता पड़ोसी जा रही है, और पठान मूवी में जिस तरह से गानों में दीपिका ने अश्लीलता की हद पार की है वह गलत है, आप इसका विरोध कीजिए। बहरहाल वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सलमान खान और शाहरुख खान, तू दोनों आँख खोल के सुन ले बेटा, तोरा माए दूध पिलाया है तो तू पटना में आके खड़ा हो, तोरा सारा खान पानी छोड़ा देंगे। बॉम्बे में तुम लोग क्या बनाते हो, चुतिया बनाते हो? जितने भी रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार हैं, ये लोग कोई को काम देता है? नहीं देता है। ये लोग खुद का प्रोडक्शन हाउस चलाता है, और ये लोग क्या करता है कि खुद, अरे शाहरुख खान के चचा रहता है पाकिस्तान में, ठीक है, ये अपने चाचा को नहीं देखता है। तू कोची बात करेगा जी, शाहरुख खान और सलमान खान बड़का बन गया है, कोची करता है, बात तो सही करे भैया। अरे हम लोग आज देखिए, हम अपने पहले परिचय दे दें कि मेरा नाम विजय कुमार शर्मा उर्फ विजय बिहारी लोग कहते हैं, और हम कालिदास रंगशाला आर्ट थिएटर से जुड़े हुए हैं, रंगमंच रंग कर्मी हैं, और ऐसा फिल्म बनाता है बहियात बहियात कि पूछे मत, का लोग देखेगा जी, का किया है आज हम लोग के लिए? अगर हम लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं तो हम लोग के लिए कुछ किया है, इसीलिए कहते हैं भैया वो गाना के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मंदिर में सब ताला लागल, अरे जुलूस न निकल नवमी के, अरे ये मतलब ना होला मिया। देखो बेजती के तोरा माय के हम, लेकिन हम गाड़ी नहीं देना चाहते हैं, हम नहीं वो कलाकार है जो साला सीना पे गोली खा लेंगे, लेकिन मियाँ टियाँ पहन चोट के हम देखेंगे रे? कोई नहीं देखेगा, पूरा पटना में तोहर हम आग लगा देंगे पुतला के, कोई सिनेमा हॉल में लगेगा, PN मॉल हो या जो हॉल हो, सब में आग लगा देंगे, समीर चौधरी बोल रहा है।
और बिहार में कहीं भी कोई सिनेमा हॉल में अगर शाहरुख खान का पिक्चर लगा तो भैया जो बोले हैं वास्तविक में सब सिनेमा घरों में आग लगा दिया जाएगा। कुछ कर दिए थे, आज औकात नहीं था बॉलीवुड को कि चांद पर जमीन कोई खरीद सके और अपने घर से दूरबीन लगा के देख सके। सब मियां टिया मात्र एक अपने बिहार का लाल जो एक दूरबीन खरीद के घर बैठ के चांद को देख सकता था और चांद को करीब ला सकता था। ये सब क्या बतियावेगा सलमान खान और शाहरुख खान? अरे बकरी बोल, बकरी के आवाज में बोलने वाला खेखे खेखे क्या बात करेगा साला मियां टिया? के लिए करे, कुछ रंगकर्मी के लिए करे तो करना है। तुम अपने लिए क्यों करते हो, पाकिस्तान के लिए क्यों करते हो? साले चुतिया हो तुम, साला खाता हिंदुस्तान का और गाता पाकिस्तान का। क्या गाली दे सकते हैं लेकिन बहन चो कहा गाली दे, वो है गाली लायक सुन ले लायक। तो हम जितने भी मीडिया कर्मी जितने भी हैं आप लोग तब हमसे मिलिए जिस दिन हम सिनेमा हॉल में आग लगाएंगे। धन्यवाद। तो ऐसे मूवी के लिए हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन जब मूवी की बात आती है तो जितने भी खान है जैसे आमिर खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, तो ये अपनी जाति को लेके उछाल नहीं मारते हैं बल्कि हम हिंदुस्तानियों के लेकर के। कभी आप देख लीजिए ब्रह्मास्त्र की मूवी देख लीजिए, उसमें ब्रह्मास्त्र में एक तरफ रणबीर कपूर कहते हैं कि हम मीट मुर्गा नहीं खाते हैं और वही मंदिर में जाते हैं और गाय का मांस खाते हैं। अब पठान की ही बात लिया जाए तो हमारा भगवा रंग होता है ऑरेंज कलर और उसी भगवा रंग को पठान में दीपिका पादुन को अश्लीलता से पहना करके हमारे भगवा रंग को बेइज्जती किया गया है। इसलिए हम इसका इस फिल्म का विरोध करेंगे। अगर आपको पठान बनाना है तो भगवा रंग की जगह आप हरा कलर पहनाओ, अपने मस्जिद का कलर पहनाओ, अपने काला कलर को पहनाओ, लेकिन हमारे कलर को, हमारे देश को, हमारे भगवान को आप लोग बेइज्जत करते हैं। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।